कोरोना महामारी ने दिल्ली NCR में जितनी तेजी से रफ्तार पकड़ रखी है, उतनी ही तेजी से उस पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी है। इसी क्रम में शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के द्वारा COVID-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए लॉकडाउन के दौरान 10 जुलाई से 13 जुलाई तक वृहद स्तर पर अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। सैनिटाइजेशन करने के संबंध में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए थे, जिसके अनुपालन में मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुनील कुमार सिंह के द्वारा 5 अग्निशमन अधिकारी सहित कुल 80 अग्निशमन कर्मचारी व 10 फायर टेंडर की टीम गठित करते हुए क्षेत्रवार सैनिटाइजेशन की कार्यवाही युद्ध स्तर पर प्रारंभ की गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां शासन और मुख्यालय फायर सर्विस तथा DMSSP महोदय के आदेश से 2 अप्रैल से लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रही हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 3000 स्थानों पर जो है ये सैनिटाइजेशन किया है। 2 दिन के विशेष लॉकडाउन में शासन द्वारा अपेक्षा की गई है कि सभी क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड की अधिक से अधिक गाड़ियां सबका उपयोग करते हुए इसको भी संक्रमित की कार्यवाही की जाए और सैनिटाइजेशन, इसीलिए आज जो है हमारी 10 गाड़ियां लगी हुई हैं। 2 शिफ्ट में कुल 80 कर्मचारी हमारे फायरमैन और अधिकारी सारे लोग लगे हुए हैं और वैशाली, साहिबाबाद, यहाँ मोदी नगर और तथा ये लोनी में कुल 10 गाड़ियाँ और 80 कर्मचारी लगे हुए हैं। ये 2 दिन जब तक लॉकडाउन है तब तक लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। विभाग की 10 गाड़ियाँ गाजियाबाद में COVID-19 अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, विभिन्न कॉलोनियों में और बाजारों में सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही है। इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान वृहद स्तर पर अग्निशमन संचालित करते हुए अग्निशमन वाहनों से पूरे जनपद में कार्य योजना बनाकर सैनिटाइजेशन का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। 2 अप्रैल से प्रारंभ हुए इस कार्य में अब तक कुल 2,990 स्थानों पर विसंक्रमित किए जाने की कार्यवाही की जा चुकी है। शासन व मुख्यालय फायर सर्विस की मंशा के अनुरूप सभी जन सामान्य को कोरोना वायरस के संक्रामक से गाजियाबाद के समस्त निवासियों को सुरक्षित करने का प्रयास अग्निशमन विभाग द्वारा लगातार किया जा रहा है। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.